लगाएंगे थोड़ा सा तेल, जिसे हम थोड़ा सा बोल ही नहीं सकते। मेरा भी लिया था 650 में ये बूट, मज़ा आ गया। कहते ना अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए लाइफ में, पता नहीं कब कौन सा आखिरी दिन हो। सुगंधित दिखने के लिए बैग, मास्क, पावर बैंक, ईयरफोन और पैसे, ये सारी चीज़ों का इंतजाम होने के बाद लगे आपको आप रेडी हो, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो आप निकल सकते। एक्चुअली देख लो आप मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक हूँ मेरे पास। तो सबसे अच्छी बात मैं चाबी यही रखता हूँ, किसी चोर को मेरी चाबी होनी तो लिख जाओ। तो भाई अब हो गया लौंडा रेडी है, अब जाएगी यहाँ का व्यू देख लो। पूरी नाइट बस में फ्लावर करूँगा तब जाके मैं वहाँ पहुँचूँगा। चलो देखते हैं आगे का नज़ारा। क्या नाम आपका? श्रीनिवास। मथुरा जा रहे? यार ये वेज बिरयानी खाने का जो मज़ा आ रहा है ना, हमारी बस यहाँ है, ये बस सुबह छोड़ेगी। ऑर्डर पीछे है, तो खाना खाने का मज़ा आ रहा है ना। गाइज ये गाड़ी लाके हमें छोड़ी है बेलगांव, मैं तब रवाना हुआ तो अब जाके पहुंचा हूं मैं अपनी मंजिल पे। तो 5 बजे रवाना होने वाला लौंडा, अब टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, यानी 12-13 घंटा तक लगातार चला, अब तब जाके ये मंजिल और ये बस स्टैंड। अब मेरा काम है वहाँ पे, मेरे को कितनी बजे की नहीं मालूम, 10 बजे बोले सही मिल जाता। अब लेते हैं चाय और सल्डा, चाय तो अच्छी है यार। 2 ड्राइवर मेरी बस के अंदर और 1 कनेक्टर, मतलब आरी बारी से रहते हैं वो लोग। बस इतनी स्पीड चलती 80-90 पहाड़ों में, मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ की दुनिया कुछ अलग ही है यार, मतलब
कौन से शहर में आके देख, नाम है इसका बेलगांव। तो बेलगांव में सुबह सुबह 6 बजे किसी को जानता नहीं हूँ और जिस काम आया हूँ और वो काम मेरे ख्याल से तो हो जाएगा 100%, फिर आगे पता नहीं, देखते क्या होता है आगे। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है यार, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है। अब देखो ये आदमी स्वेटर पहने, इतना ठंड क्योंकि पूरा माहौल ठंडा है। यहाँ पे पेड़ पौधे इतने हैं यार बाजार के बीच में, यहाँ पेड़ वहाँ पेड़ पेड़ पेड़, मतलब हमारे वहाँ इतने पेड़ नहीं होते जितने यहाँ पे पेड़ उधर देखो गली में। ओ भाई साहब पूरा छाया हुआ है पेड़ों से। ये अच्छा लगा कि यहाँ पे पेड़ है बहुत ही अच्छे, मतलब हद से ज़्यादा है। भाई एक भी ऐसी गली नहीं है जहाँ पे पेड़ नहीं है। मैं जिधर से आया जहाँ से आया उन्होंने वहाँ से लेके पता नहीं एंड कब होगा, लेकिन जहाँ तक जा रहा हूँ ना पेड़ पेड़ पेड़, और भी दिखाता हूँ आगे पेड़। तो आगे आने वाला सर्कल, और सर्कल से किधर जाने का है वो आगे जाके देखेंगे। लग तो यही रहा है सेम, लेकिन ये राउंड वाला एरिया इधर है कि नहीं है अब चेक करेंगे वहाँ जाके। तो मैं जहाँ से आया ना वहाँ पे पेड़, और जो ये मेन सर्कल है ना बीच वाला, भाई कमाल है यार, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं। और सबसे बड़ा पुराना पेड़ होगा शायद ये, काफ़ी ख़तरनाक है यार। तो मुझे तो अच्छा लगा यार यहाँ पे खाली पेड़ पौधों को देखे। ये मंदिर है शायद, वहाँ जोड़ रहा है भगवान का मंदिर होगा सर, पूरे पेड़ पौधे। वाह यार ये सिपर जा रही, मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े, वाह, और विशाल विशाल, छोटे छोटे पेड़ नहीं बहुत बड़े बड़े और बहुत पुराने पेड़ है, मतलब ये वाह। इस गली में देखो आगे तक एंड तक आपको दिख रहे होंगे शायद पेड़, और ये गली में देख लो क्या पीछे से बुला के ठोकना दे, पीछे भी देख लेते हैं। और इस गली में ओ भाई साहब पूरे पेड़, मेरे ख्याल से ये पेड़ों का गांव है, सॉरी जंगल में होगा सही। अरे यार मैं तो परेशान हो रहा हूँ इन सारे पेड़ों को देख के यार, कितने सारे पेड़ पता ना। देखो मतलब साइड में गेट है, ये पेड़ों की दुनिया है यार। मैप में देखा मैं मतलब कितने पेड़ होंगे सोचे देखा, तो पूरे इस गांव में पूरे गांव में पेड़ ही पेड़ है, मतलब हमारी सिटी में हमारे शहर में मतलब इतने पेड़ नहीं होते। हाँ होगा एक दो बड़ा बड़ा पेड़ होगा, यहाँ पे सारे पेड़ पुराने हैं, और एक नहीं पूरा हर मतलब एक 10 फीट में 20 फीट में पेड़ ही पेड़, कमाल है यार। इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये गांव ये शहर शायद जंगल में होगा तभी इतने सारे पेड़, और वो भी पुराने पुराने पेड़। नए पेड़ तो भाई ये तो मेरे से भी बड़े बड़े पेड़, मतलब मेरे से भी ज़्यादा उम्र के हैं पेड़, कमाल है यार। इस गांव का नाम है बेलगांव। एक्चुअली ये कौन सी बच्चे देखो, एक्चुअली इस गांव का नाम गांव नहीं है, ये है तो शहर लेकिन नाम है बेलगांव, मतलब गांव का नाम शहर का नाम बेलगांव है। सूरज उग रहा है लेकिन पेड़ों की वजह से मैं नहीं दिखा पाऊंगा। चलो छोड़ देते हैं, कहीं दिखेगा तो दिखा दूंगा सूरज को, दिख रहा है। तो भाई सूरज भगवान के दर्शन तो हो ही गए, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही होता है सूरज भगवान का दर्शन हो जाए तो बस बाकी दुनिया में चलता रहता है। क्योंकि सुबह सुबह जो सूरज को देखने का जो मन मज़ा आता है ना, एक अलग ही फील होती है। एक बार जल्दी उठ के देखो
सुबह सुबह के सूरज को, दोपहर को सूरज को नहीं, जो सुबह का सूरज होता है ना बादलों के बीच में से पूरा लाल 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 हो सो, उसको एक अलग ही। यहाँ की बसें देखो यार अलग ही है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा यहाँ की बसों में साउंड नहीं है और पूरी एकदम कोई छोटा मोटा जंप आए या कुछ भी आए ना तो पता ही नहीं चलता अंदर हम लोग मतलब जंप के ऊपर से निकली गाड़ी। हमारे राजस्थान की बस है, ओ भाई साहब एक छोटा सा पत्थर आ गया तो खड़ 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 मतलब पूरी बस में साउंड होता है कि भाई कहीं नीचे पत्थर आया है। और यहाँ के जो हैवी ड्राइवर है ना भाई, क्या गाड़ियाँ चलाते रे बा, खतरनाक तरीके से चलाते। तो पेड़ों की बात चल रही थी ना, तो भाई एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पेड़ नहीं है। और मैं आप मेरे ख्याल से आप भी बोर हो गए यार, जब से आया तब से पेड़ों के बारे में बात कर रहा था। सही में भाई जंगल है जंगल, सही बोला हो, जलगांव नहीं सॉरी बेलगांव। अरे यार मैं देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, आप खुद ही देख लो। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से मैं 1 किलोमीटर आ गया हूँ चल के। ये गली कहीं ऐसा दिख रहा है कि पेड़ के अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं, पूरे पेड़ मतलब वो भी छाया सो, पूरा छाया सो है। इधर भी पेड़ मतलब एक नको भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, ज़्यादा बोलोगे तो क्या है? जब से स्टार्ट किया कि बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है भाई, आप देख लो बस। ये बंगला होगा किसी अमीर आदमी का है गवर्नमेंट का है वो मेरे को नहीं मालूम, गवर्नमेंट का होगा शायद। दिख तो घर जैसा है, फिर पता नहीं क्या है, हॉस्पिटल तो नहीं है, हो भी सकता है हॉस्पिटल पोस्टर, हाँ है हॉस्पिटल ही है भाई, प्लस का निशान है। तो भाई यहाँ वीडियो एंड कर दूँ, नहीं तो सारे पेड़ दिख जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत ये क्या है भाई, क्या स्पीड भगा रहा है? तो ये है यहाँ का शहर, यहाँ का टेम्पो स्पेशल है यार। ये कैसा पेड़ है यार, भाई मैंने पेड़ों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेड़ है यार, मुझे तारीफ करने दो यार। सच में यार मतलब कितने सारे पेड़, इतने सारे पेड़ हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। इधर गली में देखो, ओ भाई साहब। और ये पेड़ कोई नए नहीं, बहुत पुराने, मेरे दादाजी के उम्र के पेड़ है, मेरे ख्याल से दादाजी से भी बड़े होंगे शायद एज में। भाई मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत क्या बहुत ज़्यादा। ये लोंडे आर्मी के होंगे शायद, काफ़ी शानदार जगह है यार, धूप तो है पर जगह काफ़ी शानदार है। आया तब इतना खास नहीं था, अब इतना शानदार है यार, अब देखने का भी मन कर रहा है, पब्लिक है तो कुछ भी नहीं था जब मैं यहाँ इस गली में आया था। काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, मेरे को तो मज़ा आ गया है इसको देख के। बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है यार प्लेस को।
है गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलता हूँ ऐसे कोई नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।